तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। सो दोस्तों, मैं हूं हसमुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं गल्फ इन्फो। सो दोस्तों, मेरे कुछ भाइयों ने पूछा था और ये मुझसे जानने की कोशिश की है कि हम गल्फ कंट्री में जा कर के प्लांट में काम करें तो अच्छा रहेगा या कंस्ट्रक्शन में जा कर के काम करें तो वो अच्छा रहेगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं और कंपेयर करने वाले हैं प्लांट विथ कंस्ट्रक्शन। हमको प्लांट में अच्छा बेनिफिट है या हमको कंस्ट्रक्शन साइट पर बेनिफिट अच्छा है, तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं सीधा सीधा हमें किस चीज़ में जाना चाहिए, प्लांट में या हमें शिपयार्ड में या हमें कंस्ट्रक्शन साइट पर। सो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्लांट लाइन के बारे में। अगर हम प्लांट में ड्यूटी करते हैं या हम प्लांट में जॉब करने के लिए इच्छुक हैं और आना चाहते हैं तो प्लांट में देखिए सैलरी रहता है और ओवर टाइम बराबर मिलता है। अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो अच्छी बेनिफिट भी मिलता है। सो दोस्तों, प्लांट में कई प्रकार का रिस्क भी रहता है काम करने के लिए। ऐसे ऐसे जहरीले गैस हैं, पदार्थ हैं जो आपको लगते ही 10 से 15 सेकेंड या 20 सेकेंड या एक मिनट का मौका देगा और आपकी जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, प्लांट लाइन में काम करने के लिए आप किसी भी सेक्शन से हो, वेल्डर हो, पाइप फिटर हो या इलेक्ट्रीशियन हो या मैकेनिकल टेक्नीशियन हो या मैकेनिकल हेल्पर हो या इंसुलेटर हो या क्लाइडर हो या किसी भी जॉब से आप रिलेटेड हो, अगर आप प्लांट में जाते हैं तो उसमें ज़्यादातर अगर प्लांट चालू है तो उसमें ज़्यादा खतरा रहता है। अगर प्लांट नया बन रहा है तो उसमें कोई जहरीली पदार्थ या गैस नहीं रहती है जो लीक होने पर आपको हानि पहुंचा सके। सो दोस्तों, H2S के बारे में आप सब लोग जानते होंगे कि H2S एक ऐसा गैस है जो ज़मीन में, गड्ढे में जहां पर ठहराव रहता है वहां पर रुका रहता है। अगर लीक हुआ है, अगर वो आपको लग जाएगा तो 5 से 6 मिनट का आपका टाइम मिलेगा। अगर सही समय पर अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो आपकी जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, प्लांट में पैसा बहुत अच्छा है, बेनिफिट भी अच्छा है, जो अगर आप अच्छे कंपनी में चले गए तो आपका लाइफ भी बन सकता है। अब हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने के लिए। सो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन साइट पर आप किसी भी जॉब से रिलेटेड हैं जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, स्कैफोल्डर, टाइल मेसन, शटरिंग कारपेंटर या किसी भी जॉब से अगर आप जॉब कंस्ट्रक्शन साइट पर करते हैं तो आपको उधर गैस का टेंशन नहीं रहता है कि हमें गैस लीक हो जाएगा या पाइप ब्लास्ट हो जाएगा तो हमें नुकसान होगा, हमें भाग भाग कर इधर उधर जाना पड़ेगा, असेंबली पॉइंट पर जाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन साइट पर भी बहुत सारे खतरे होते हैं जिसको हम भांप नहीं पाते हैं और सुपरवाइजर और फोरमैन के कहने पर जाकर के फटाफट हम काम शुरू कर देते हैं। सो दोस्तों, अगर आप कहीं भी ड्यूटी करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट हो या ऑयल गैस हो या शिपयार्ड हो, तो सबसे पहले क्या होता है, सेफ्टी मीटिंग होता है। सेफ्टी मीटिंग में समझाया जाता है कि किस तरह से काम करें। अगर आप किसी भी साइट पर काम करने के लिए जाते हैं तो जहां आपको काम शुरू करना है, मान लीजिए अगर आपको इसका फोल्ड के ऊपर काम शुरू करना है, तो आप उसे अच्छे से देखें और 10 या 15 सेकेंड तक सोचें कि जहाँ हम काम करने वाले हैं हमको कोई खतरा तो नहीं है, हमको कोई चढ़ने से या उतरते समय कोई खतरा तो नहीं होने वाला है, हम ऐसी जगह पर काम करते हैं कि जहाँ कोई खतरा तो नहीं है। सो दोस्तों, अगर आपके इसका फोल्ड में ग्रीन टैग लगा हुआ है तो ही आप चढ़ के उस पर आप काम कर सकते हैं। अगर आपके इसका फोल्ड में रेड टैग लगा हुआ है तो आप उस पर काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सेफ्टी अप्रूव नहीं किया है काम करने के लिए। तो दोस्तों, आप किसी भी कंपनी में, किसी भी साइट पर, कहीं भी काम करते हैं तो सबसे पहले अपना सेफ्टी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपकी शरीर अच्छी है तो आपका परिवार अच्छा रहेगा। अगर आपका शरीर में, मान लीजिए खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट हो गया, आप बीमार हो गए या आपको चोट लग गया, मान लीजिए हाथ ही टूट जाता है, पैर ही टूट जाता है, तो कंपनी क्या करेगी, बहुत करेगी, इलाज करवा देगी, आपको पैसा दे देगी, उससे आपका ज़िंदगी पार नहीं होगा, आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। अगर आप कहीं भी हैं, सेफ्टी से काम कर रहे हैं, सेफ्टी के बावजूद अगर आपको घटना हो जाता है तो समझ लीजिए कि एक अल्लाह की देन है कि आपको हो जाता है। नहीं तो अगर आप कहीं भी सेफ्टी से काम कीजिएगा तो कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। सो दोस्तों, मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता हूं आप लोगों के लिए,
मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर आपको पैसा अर्न करना है तो अगर आप शिपयार्ड में जाते हैं तो वहाँ भी बहुत ही अच्छी सैलरी आपको मिल जाती है और वहाँ ज़्यादा खतरा भी नहीं रहता है। अगर वो आप शिपयार्ड में हैं तो बस आपको एक ही परेशानी होगी, अगर मान लीजिए आप बेस में काम कर रहे हैं तो आपको घूमने फिरने के लिए मौका बहुत कम मिलता है। अगर आप ऑयल गैस में काम करते हैं तो ऑयल गैस में भाई रिस्क तो है, पैसा भी है। अगर आप सेफ्टी से काम करते हैं, लाखों मजदूर काम करते हैं, तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर जहां ऐसी जगह पर आप काम करेंगे कि जहां पर गैस लीक होने का चांस है, आपको गैस लगने का चांस है, तो हर कंपनी एक थर्मामीटर आपके वर्दी में, आपके कवरोल में लगा के देती है। जब भी गैस लीक होगा वो थोड़ा दूरी पर ही रहेगा, तभी को आपको सिग्नल देने लगेगा, वीप करने लगेगा, पीपी वीप करने लगेगा, तो आपको असेंबली पॉइंट पर भाग के जाना है, क्योंकि वो असेंबली पॉइंट बनाया रहता है और वहाँ पर जाके खड़ा हो जाएं और वहाँ पर आप अपने साथियों को जो है अपने साथियों को खोजें कि हम लोग जितने भी साथ में काम कर रहे थे सब लोग आए कि नहीं आए। अगर नहीं है, कोई गायब है, तो सबसे पहले अपने सेफ्टी को बताइए, अपने फोरमैन इंजीनियर को बताइए कि फलाना बंदा हमारे साथ काम कर रहा था, हमारे साथ नहीं है, ऐसा घटना हो गया, तो वो क्या करेगा, उसको ढूंढेगा। सो दोस्तों, अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पर आना चाहते हैं तो माइंड फ्री आप काम कर सकते हैं। ज़्यादातर मान लीजिए अगर आपके साथ कोई घटना ना हो, इसके लिए वहाँ पर सेफली काम होता है, क्योंकि कोई भी टेंशन नहीं रहता है, सिर्फ यही टेंशन रहता है कि हम कहीं फिसल के सीढ़ी पर से गिरे ना, इसका फोल्ड से गिरे ना और इलेक्ट्रिक हजार्ड ना हो। अगर आप कहीं भी ग्राइंडर यूज कर रहे हैं तो उसको मोस्टली आप गार्ड लगा कर ही यूज कीजिए और अच्छे से काम कीजिए। सो दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो ऐसा बनाए के अपडेट करें अपने चैनल पर गल्फ से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, तो सबसे पहले काम कर सकते हैं। ज़्यादातर मान लीजिए अगर आपके साथ कोई घटना ना हो, इसके लिए वहाँ पर सेफली काम होता है, क्योंकि कोई भी टेंशन नहीं रहता है, सिर्फ यही टेंशन रहता है कि हम कहीं फिसल के सीढ़ी पर से गिरे ना, इसका फोल्ड से गिरे ना और इलेक्ट्रिक हजार्ड ना हो। अगर आप कहीं भी ग्राइंडर यूज कर रहे हैं तो उसको मोस्टली आप गार्ड लगा कर ही यूज कीजिए और अच्छे से काम कीजिए। सो दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो ऐसा बनाए के अपडेट करें अपने चैनल पर गल्फ से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर आपको कुवैत आना है या किसी भी कंट्री में जाके पैसा कमाना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमसे कांटेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह ताला आप सब लोगों को मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से मुंबई में इंटरव्यू होता है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना पड़ता है। सो दोस्तों, अपने भाई को दीजिए इस वीडियो से इजाज़त। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।